ये जो कोई बोल रहे हैं ठेका कर्मचारियों को कायम करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी ने जो ताकत लगाई है, ये सरासर झूठ है। पहली बात है कि आज तक जो ठेका कर्मचारी परमानेंट नहीं हुए, कायम नहीं हुए, उसका जिम्मा ही बहुजन विकास आघाड़ी का है। इन्होंने तो इनको आज तक ऐसे ही रखा है। ये कर्मचारी नगर परिषद समय से महानगर पालिका तक इनको लूटा जा रहा था। जो लूटने वाले ठेकेदार थे, ये किनके साथ में थे, किनके साथ में बैठते हैं, किनके बूथ पे बैठते हैं, किनके ऑफिस में बैठते हैं, ये दुनिया को पता है। आज जो बहुजन विकास आघाड़ी कदम उठा रही है, आज जो भी दिखावा कर रही है, नौटंकी कर रही है, ये सब मगरमच्छ के आंसू है। तहसीलदार शहर महानगर पालिका अंतर्गत बड़ी तादाद में ठेका कर्मचारी काम करते आ रहे हैं। वैसे तो वह कई प्रकार के अपने अधिकारों से वंचित है, लेकिन खास तौर से उन पर एक समस्या है कि वह वर्षों से काम करने के बावजूद भी स्थायी नहीं हो पा रहे। हालांकि इस समय मौजूदा समय में बहुजन विकास आघाड़ी ने खुल करके उनके समर्थन में आगे आने का दावा किया है, और अभी इन्होंने हाल ही में एक सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया था, और इन्होंने कहा था कि हम वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत काम करने वाले सभी ठेका कर्मचारियों को स्थायी करने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके तहत वह 3 तारीख को बड़ी तादाद में लोगों को एकत्रित कर एक मोर्चे का आयोजन मनपा प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं। वही सवाल ये उठता है कि उनके द्वारा उठाए गए सार्थक कदम का कौन कौन समर्थन कर रहा है, कौन कौन विरोध कर रहा है। वही उनका विरोध करने में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज पाटिल हमारे समक्ष मौजूद है, और यह वसई विधानसभा के चुनावी जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई है, और ये खुल करके बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा उठाए गए इस कदम का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं और ये विरोध का आखिर संभवतः परिणाम क्या होगा, तमाम तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तमाम प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम सीधे तौर पर चर्चा करते हैं मनोज पाटिल। पाटिल साहब नमस्कार। पाटिल साहब, सबसे पहले बताइए, बहुजन विकास आघाड़ी ने पूरी ताकत लगा दी है ठेका कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए, कहीं ना कहीं ठेका कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा रही है, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो कोई बोल रहे हैं ठेका कर्मचारियों को कायम करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी ने जो ताकत लगाई है, ये सरासर झूठ है। पहली बात है कि आज तक जो ठेका कर्मचारी परमानेंट नहीं हुए, कायम नहीं हुए, उसका जिम्मा ही बहुजन विकास आघाड़ी का है। इन्होंने तो इनको आज तक ऐसे ही रखा है। ये कर्मचारी नगर परिषद समय से महानगर पालिका तक इनको लूटा जा रहा था। जो लूटने वाले ठेकेदार थे, ये किनके साथ में थे, किनके साथ में बैठते हैं, किनके बूथ पे बैठते हैं, किनके ऑफिस में बैठते हैं, ये दुनिया को पता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने ही इन ठेकेदार ठेका जो कर्मचारी है 2017 से जो भी इनको बेनिफिट मिल रहा है, पीएफ ईएसआईसी का पूरे सैलरी मिल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो संघर्ष है उसका परिणाम है। अदरवाइज वो 2017 तक इनको केवल आधा से कम सैलरी मिलता था, पूरा ठेकेदार खा जा रहा था। और दूसरी बात, आज ये परमानेंट करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी के लोग आगे आ रहे हैं, परमानेंट होना चाहिए। तो 2014 में स्टेट गवर्नमेंट ने जो आकृति बंद बोलते हैं मराठी में, जो इनको मंजूरी दे दी थी कि इतने लोगों को आप स्थायी रूप से महापालिका में ले सकते हैं, अगर वो 2014 का जो आकृति बंद है, जो आप गवर्नमेंट ने इनको दे दिया था परमिशन, अगर वो परमानेंट करते थे तो आज के दिन में बहुत सारे ठेका कर्मचारी परमानेंट होते थे। लेकिन इनको कुछ ठेका कर्मचारियों का कुछ पड़ा नहीं है। आप अभी बोलता हूं कि आज जो बहुजन विकास आघाड़ी कदम उठा रही है, आज जो भी दिखावा कर रही है, नौटंकी कर रही है, ये सब मगरमच्छ के आंसू है। आज के दिन में अभी इलेक्शन सर पे है, तो ये जो ठेका कर्मचारी है, बहुत सारे ठेका कर्मचारी ये स्थानिक है, और इन ठेका कर्मचारी और इनके फैमिली का जो सहानुभूति मिले, इसके लिए ठेका कर्मचारियों के भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आज के दिन में महापालिका के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। ठेका कर्मचारियों के साथ में हम लोग हमेशा थे, और ठेका कर्मचारी के लड़ने के लिए वसई तालुका में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही थी। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि आपने देखा रहेगा 122 करोड़ का जो घोटाला निकाला, यही ठेका कर्मचारियों का ही घोटाला था, इनको ही जो लूटा जा रहा था, इसके खिलाफ में हम लोगों ने ठेकेदारों के खिलाफ गुनाह दाखिल किया।
तो इन ठेकेदारों को पीछे अपने पीछे छिपाने वाले कौन थे, इन ठेकेदारों को सपोर्ट करने वाले थे कौन थे। और बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता नगर परिषद में और महानगर पालिका में भी थी, तो कितने इन ये जो कोई महापौर हो चुका है, कोई उपमहापौर हो चुके, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन थे, कोई नगर सेवक थे, इनमें से किसने इन ठेकेदारों के लिए आवाज उठाई, महापालिका प्रशासन को जवाब पूछा, ठेकेदारों को जवाब पूछा, कुछ नहीं। ये ठेका कर्मचारियों को जो लूट हो रही थी, जो भी हो रहा था, ये आंख में पट्टी बांध के देख रहे थे। 14 से 23 तक 9 साल ये जो भी महाराष्ट्र शासन ने मंजूरी दे दी थी भर्ती प्रक्रिया के लिए, उसके ऊपर बैठे रहे। आज अचानक जैसे ही इलेक्शन सर पे आ गया, इनको ठेका कर्मचारियों की याद आ गई, ना इनको ठेका कर्मचारियों से कुछ लेना देना है, ना उनके प्रति प्रेम है, ना इनके प्रति कोई सहानुभूति है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और इस माध्यम से मैं ठेका कर्मचारियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका कोई राजनीतिक उपयोग ना करे, इसके लिए सावध रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ में है, हम मंत्रालय स्तर तक, ये राज्य सरकार के अंदर भी ये स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल आएगा तो उसके उनको जो फॉलोअप करना है हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा एक सवाल है कि बहुजन विकास आघाड़ी के यहाँ 3 आमदार है, हितेंद्र ठाकुर वसई से आमदार है, क्षितिज ठाकुर नालासोपारा से आमदार है, राजेश पाटिल बोईसर से आमदार है। इन 3 आमदारों ने स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना फॉलोअप किया, विधिमंडल में जो अधिवेशन होता है उसमें कितने ये विषय उठाए ठेका कर्मचारियों के, इनको ना ठेका कर्मचारियों से कुछ लेना देना है ना प्यार है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। इसलिए मेरा विरोध आंदोलन को नहीं, मेरा विरोध कर्मचारियों के आंदोलन को बिल्कुल, हमारा तो विरोध ही नहीं है, हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आंदोलन हो रहा है उनको हमारा पूरा सपोर्ट है। लेकिन आज जो बहुजन विकास आघाड़ी के नेता जो दिखावा कर रहे हैं उनके खिलाफ है हम लोग, कि आप दिखावा कर रहे हो, आपको नैतिक अधिकार ही नहीं है। आप ही ने तो आपके समय में, आप सत्ता में थे तब इन कर्मचारियों को लूटा जा रहा था, आप सत्ता में थे तो आपको आपके पास एक संधि थी कि इनको परमानेंट किया जाए, लेकिन आपने किया नहीं, आपने इन कर्मचारियों का शोषण होने दिया, आप शोषण के आप सिर्फ देखते रहे और जो ठेकेदार थे उनको आप सपोर्ट करते रहे, तो आपको नैतिक अधिकार नहीं। हमारा जो आज का हमारा आक्षेप है, ये बहुजन विकास आघाड़ी के जो भी नेता आगे आगे कर रहे इनके ऊपर है, हम ठेका कर्मचारियों के साथ है और ठेका कर्मचारियों को जो भी न्याय मिलेगा ये भारतीय जनता पार्टी ही दिला सकती है। बहुजन वाले इनको सिर्फ लूटा हुआ देख सकते हैं या इनका शोषण जो करते हैं उनके साथ में खड़े हैं। ये बड़ा आरोप मनोज पाटिल जी ने लगाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी ने जो कदम उठाया है वे ठेका कर्मचारियों के हित में है, और कहीं ना कहीं ठेका कर्मचारी काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वो बात ठीक है कि हो सकता है कि इसके अंदर राजनीति हो, लेकिन विकल्प क्या है कि जो ठेका कर्मचारी है उनको स्थायी किया जाए? भारतीय जनता पार्टी किस तरह का कदम इस मामले में उठाने जा रही है? ये जो विषय है ये महापालिका आयुक्त लेवल पे नहीं है आज के दिन में। ये अगर इनका जो भी रिलैक्सेशन देना है, 2014 में जो आदमी 35 साल का था या 30 साल का था तब वो परमानेंट हो सकता था, आज उसकी उम्र अगर 40 के ऊपर गई है या 45 के ऊपर गई है, या फिर बाकी जो रिलैक्सेशन है कैसे भरना है, ये रिलैक्सेशन का जो डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, महापालिका आयुक्त के पास नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉलोअप करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ये जो भी है डेलीगेशन लेके स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे, हम लोग सीएम डीसीएम के पास भी ये विषय लेके जाएंगे और इनको न्याय हम लोग दिलाने का 100% प्रयास करेंगे। लेकिन सिर्फ यहां नौटंकी करके और ठेका कर्मचारियों का जो भी है उनको मानसिक रूप से उनको जो भी उनको हम क्या बोल सकते कि उनको फंसाया जा रहा है कि उनको सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, तो ये जो है इसके हम लोग इनके इसके ऊपर ही आक्षेप है। ठेका कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रयास करेगी और करते आ रहे हैं। इनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज तक न्याय दिलाया है और आगे भी देंगे, लेकिन ये जो इनकी नौटंकी है इसके लिए ठेका कर्मचारियों को हम लोग सावधान कर रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं
आपका कोई राजनीतिक उपयोग ना हो, उपयोग ना किया जाए, इतने ही आप ध्यान में रखो, क्योंकि इनका इतिहास है ठेका कर्मचारियों को न्याय दिलाने का इतिहास नहीं है। एक बड़ा आरोप मनोज पाटिल जी ने लगाया, उन्होंने कहा है कि ठेका कर्मचारियों का सिर्फ राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, उनकी मंशा उन्हें न्याय दिलाने की नहीं है, यह कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है। हालांकि उन्होंने इसके विकल्प भी सुझाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो उनकी इस विषय पर मदद कर सकती है और उन्हें स्थायी करने के लिए सार्थक कदम उठा रही है।